दोस्तों आज खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इस मैच में इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी और दोस्तों जानेंगे इस मैच में कौन सी टीम का पलड़ा भारी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ दोस्तों पहले बात कर ले, इन दोनों ही टीमों ने अब तक इस वर्ल्ड कप में दो दो मुकाबले खेले हैं और दोनों ही टीमों को दोनों ही मैचों में जीत दर्ज हाथ लगी है और जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी वो जीत की हैट्रिक लगाएगी और पॉइंट्स टेबल में भी एक ऊंची छलांग लगाएगी। हालांकि दोस्तों अब बात कर ले इन दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो इन दोनों टीमों के बीच वनडे इतिहास में 134 मैच खेले गए हैं जिसमें से 56 बार भारतीय टीम को जीत हाथ लगी है तो पाकिस्तान की टीम ने 73 मैच जीते हैं। जहां आंकड़ों में तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें इन दोनों टीमों के बीच अब तक वर्ल्ड कप में टोटल 7 मुकाबले खेले गए हैं और दोस्तों 7 के 7 मैच भारतीय टीम ने जीते हैं और दोस्तों वर्ल्ड कप में पूरी तरह भारतीय टीम का पलड़ा पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ता है। और दोस्तों भारत की टीम अगर इस मैच में भी पाकिस्तान को हरा देती है तो फिर दोस्तों भारतीय टीम लगातार वर्ल्ड कप में 8वीं जीत दर्ज करेगी। और दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत से वर्ल्ड कप में अब तक एक भी मुकाबला नहीं जीता है। ऐसे में दोस्तों भारत की टीम पाकिस्तान के सामने काफी मजबूत टीम भी है और भारत के सभी खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म से गुजर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये दोनों ही टीमें काफी तगड़ी टीम है और जब इन दोनों टीमों के बीच आज का मुकाबला होगा तो दोस्तों वो मुकाबला देखने लायक होगा। ऐसे में दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच आज का ये बड़ा मुकाबला दोपहर 2 बजे शुरू होगा और दोस्तों ये मैच दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। जहां इस बड़े मुकाबले को आप बिल्कुल फ्री में फोन में डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर देख पाएंगे। तो दोस्तों ये मुकाबला टीवी पे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाया जाएगा। वहीं दोस्तों अब बात कर ले इस बड़े मैच में इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो दोस्तों पहले बात कर ले भारत की, तो भारत की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन दिखाई देंगे। तो दोस्तों मिडल ऑर्डर में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पंड्या और रविंद्र जडेजा मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। तो गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज भारत की टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते दिखाई देंगे। जहां दोस्तों अगर शुभमन गिल पूरी तरह फिट हो पाते हैं तो तभी वो ईशान किशन की जगह ले पाएंगे। हालांकि दोस्तों शुभमन गिल अहमदाबाद तो पहुंच चुके हैं, लेकिन दोस्तों अगर वो पूरी तरह फिट हो पाएंगे तभी वो ईशान किशन की जगह खेलेंगे, वरना इस मैच में ईशान किशन खेलते दिखाई देंगे। तो दोस्तों अब बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ओपनिंग बल्लेबाजी करते दिखाई देंगे। तो मिडल ऑर्डर में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साउथ शकील, इफ्तिकार अहमद और सद्दाब खान मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। तो गेंदबाजी में मोहम्मद नवाज, हसन अली, शाहिनशाह अफरीदी और हैरिस सुरूफ पाकिस्तान की टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते दिखाई देंगे। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है वर्ल्ड कप का ये बड़ा मुकाबला इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम जीतेगी, आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।